इंदौर में आज एक हाई प्रोफाइल ड्रामे की बेहद चर्चा है। हुआ यह है कि डीपी ज्वेलर्स, जो कि इंदौर का एक जाना माना ज्वेलर्स है, इनकी बेटी रूपल द्वारा रतलाम के एपी ज्वेलर्स के बेटे शशांक के साथ भागकर शादी कर ली गई। एपी ज्वेलर्स के 23 वर्षीय बेटे शशांक और डीपी ज्वेलर्स के बेटी, जो कि 22 वर्ष की है, रूपल, ये दोनों प्रेस्टीज कॉलेज से एमबीए कर रहे थे। 16 दिसंबर को दोनों कोटा चले गए और 17 दिसंबर को वहां कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से पूना होते हुए मुंबई चले गए। इधर रूपल ने मुंबई के जुहू थाने में यह आवेदन दिया कि उसने शशांक से मर्जी से शादी की है, उसकी जान को खतरा है, दोनों को कुछ भी होता है तो इसके लिए मेरे परिजन जिम्मेदार होंगे। इसी बीच रूपल के परिवार वालों द्वारा, जो कि डीपी ज्वेलर्स वाले हैं, उन्होंने इंदौर में थाने में शिकायत दर्ज करा दी। लसुड़िया थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस रतलाम से लड़के के पिता अनिल पुरोहित को पकड़कर ले आई। इसी बीच जब दोनों को यह जानकारी मिली तो वे दोनों इंदौर आ गए। इसके बाद उन्होंने इंदौर के थाने में यह बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है और उसके ससुर को छोड़ दिया जाए। मैं रूपल कटारिया मैच्योर हूँ और अपने पूरे होशो आवाज में एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं शशांक पुरोहित के साथ आई हूँ और मुझे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। मेरे पिताजी यानी कि अनिल पुरोहित को पकड़कर लसोड़िया पुलिस स्टेशन में इंदौर के में रखा गया है और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके टॉर्चर करा जा रहा है उन्हें। तो मैं प्लीज़ वहाँ की DI से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे उन्हें छोड़ दे और उनके उनको कोई तरह की परेशानी न दे और असुविधा न दे। हम हमारी स्वेच्छा से आए और हमने हमारी हंसी खुशी शादी करी और हम हमारी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हम लोगों को परेशान ना करें। और मेरे ऊपर जो फर्जी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं कोई सा पेपर के ऊपर लेटर लिखकर गई हूँ, वो मैंने नहीं लिखा गया है। मैं सिर्फ एक नोटरी के ऊपर अपने जो भी चीज़ें लिखना चाहती थी, अपनी बातें लिखना चाहती थी, वो मैंने लिखकर और साइन करके दी है। और आप चाहे तो मैं एक और पेपर के ऊपर अपना साइन कर सिग्नेचर कर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, और आप चाहे तो राइटिंग एक्सपर्ट से आप उससे चेक करवा सकते हैं। और उसके बाद प्लीज़ आप हम लोग को परेशान ना करें और DI से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने जितने भी पुलिस स्टेशन में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसे छोड़ दे और सबको अपने अपने घर जाने की अनुमति दे। थैंक यू। पता यह भी चला कि दोनों परिवारों के बीच थाने में बेहद विवाद हुआ और इसके बाद रूपल के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा अनिल पुरोहित को छोड़कर रतलाम जाने दिया गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन दोनों की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। फिलहाल तो इंदौर में आज इन दोनों की प्रेम कहानी के बेहद चर्चे हो रहे हैं।